करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। ओम शांति। एक बाबा की याद में जब हम आत्माएं बैठती हैं तो उस निराकार को याद करने से खुद भी हम अपने साकार शरीर को भूल जाते हैं। उसकी लगन की अगन में देह को, दुनिया को भस्म कर देते हैं। शरीर से अलग अशरीरी बन जाते हैं। तो ये याद, ये स्मृति हमारी स्थिति को बदल देती है, हमारे स्वरूप को बदल देती है, हमारी आंतरिक शक्ति को इतना श्रेष्ठ, इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है जो हर परिस्थिति, हर विघ्न छोटा नजर आने लगता है। तो ऐसे बाबा की याद में, अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर हम जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो बाबा का एक एक वाक्य बुद्धि में छप जाता है, बुद्धि स्वीकार कर लेती है, कर्मेंद्रियों के अंदर स्वतः ही शीतलता आ जाती है, कर्म परिवर्तन हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ऐसा अनुभव है सबका, है ना? चलो इसी स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 9 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता। ज्ञान अग्नि कभी सुना है? नहीं ना? तो ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। तो बाबा की याद ऐसी तीव्र हो जो उसमें सब पाप भस्म हो जाए, आत्मा पावन हो जाए, गोरी बन जाए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? बुद्धि है तर्कश और इसमें बाण है कौन से? ज्ञान के। तो किनके ज्ञान के बाणों से ये तर्कश भरा रहता है? अब चेक करना, भरा है। उत्तर है, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही मात पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। तो एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है योग। दोनों के महत्व को हमें यथार्थ समझना है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है, सबको पता है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है, मेरा स्वधर्म शांत है। स्थित हो जाएंगे सभी अपने स्वधर्म में। मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश की रहने वाली हूँ। स्मृति में लाएं,
शांति देश, स्वीट साइलेंस होम। यहाँ यह ऑर्गन्स मिलता है तो टोकी बनती हूँ। इनका यानी शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। बिल्कुल अनुभूति होनी चाहिए, मैं आत्मा साइलेंस देश से, शांति धाम से इस सृष्टि पर आई, देह धारण किया, टोकी बनी। तो बाबा कहते कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है यह कौन है, कहाँ से आया है, है ना, गीत बजाना, कौन आया मेरे मन के द्वारे। उनको हम याद करते हैं, फिर क्या होता है, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। देहधारियों की याद में तो बैठे हैं, परंतु इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी, विद्वान आदि बैठे होते हैं, वह वेद, उपनिषद, रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं, ऐसे ही होता है ना, गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं, कितना बड़ा अंतर है, हाँ? है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। कंट्रास्ट है दूसरे सत्संगों और इस सत्संग में। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है, बिल्कुल निश्चय बुद्धि, मैं कौन हूँ, अशरीरी आत्मा। आत्मा है फर्स्ट, आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है, हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। फीलिंग आनी चाहिए, हम आत्माएं बेहद के बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर शोज सन, बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने कारण कह देते सर्वव्यापी है, जानते नहीं है तो क्या कहते हैं, सब जगह है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, प्रवेश नहीं किया, याद आई है, नहीं बाप की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं।
और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, याद आता सभी को अपने अपने महल। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी, ये तो द्वापर की बात है, उससे पहले क्या क्या था। भारत जैसा सॉल्वेंट यानी समृद्धि संपन्न कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट हैं। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो क्या करने, मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, यह महिमा सारी उस एक की ही है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये महिमा लिखी हुई है। उनको कभी काल नहीं खाता, अकाल मूरत कहा जाता है। वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो लिखा है मनुज से देवता किए करत ना लागी वार। मूत पलीती कपड़ धोते हैं, ये सारी महिमा ग्रंथ साहिब में है। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं, कैसे, योग से और ज्ञान से। ये क्या है, हमारे कपड़े धोते हैं ना तो साबुन और पानी। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, तो कौन सा सोप है, लक्ष्य सोप। तो इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो, आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम क्या है, याद रखना आज का सम्मान, तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं, कलयुग में श्याम बनते हो। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो यह कोई गुरु गोसाई नहीं है, यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है ना। कहते हैं जब धर्म ग्लानी हो जाती है, भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। भक्ति पूरी होती है फिर अज्ञान अंधेरा मिटाने बाबा आते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कौन सा अंजन देते हैं, ज्ञान का। इस समय सब कुंभकरण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कुंभकरण वाली नींद कैसी होती है, कितना भी उठाओ कुछ भी कर लो, फिर उठते हैं फिर सो जाते हैं, है ना। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं हैं। कहते हैं पर जानते नहीं हैं। बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं।
इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है कौन? ब्रह्मा बाबा। जरूर अनुभवी तन चाहिए ना, गुरु आदि किए हुए हैं। कृष्ण को थोड़े ही गुरु गोसाई करने पड़ते, यह भूल भुलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। कौन हो? ब्राह्मण कुलभूषण और ईश्वरीय संतान। यहां तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी। हम किसकी सेवा करते हैं? रूह की सेवा, सच्ची सेवा। और वहाँ पर दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर है। तो एक और नया बाबा ने टाइटल दिया, कौन सा? आज हम क्या है? रूहानी सोशल वर्कर। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है, आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ। अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं, कौन बनाते हैं? बाबा। वह बेहद का बाबा सब का बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे। तो बाबा यथार्थ अर्थ बता रहे हैं सब बातों का। भगवान वास्तव में कौन है, कहाँ रहते हैं, है ना? किसको हम याद करते हैं, किसको अब तक याद करते आए हैं, सब बातें सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाबा विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। वह तो देवताएं हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है ना। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। देखो ये साकार मुरली है, परंतु बाबा ने पहले से ही सब बातें सब राज स्पष्ट करके बताए हैं। तो यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुहे ते गुहे सुनाते हैं, तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकश में कैसे भरेंगे? नए नए ज्ञान बाण चाहिए ना। नए नए रूप से माया आती है, नए नए प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उनके उत्तर जानने के लिए ज्ञान तो पूरा चाहिए ना। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। पहले पढ़ना फिर पढ़ाना। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना। तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने? असंभव को संभव करना, बिगड़ी को बनाना, रात को दिन बनाना, पतित को पावन बनाना, ये किसका काम है? शिव बाबा का। फिर हम बच्चों का भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अरे तब यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह नहीं जानता है, मैं बताता हूँ। तुम कृष्णपुरी के मालिक थे। किसको बता रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को। अभी वह पास्ट हो गया, अभी वह जिसे स्वप्न हो गया। एक बार बाबा ने मुरली में बताया था ना कि जो पास्ट हो जाता है वो स्वप्न हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ये दुनिया कैसी है, स्वप्न की तरह है। जैसे नेहरू मर गया
वह भी स्वप्न हो गया। जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है और उसकी निशानी ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। तो पापा कहते हैं ब्राह्मणों से ऊपर है कौन? शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम यह चक्र लगाते हो। हम सो सो हम, यह तुम्हारे से ही लगता है। हम ही पूज्य फिर हम ही पुजारी बने। हम सो शूद्र थे फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है और शास्त्रों में कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, यह तो बाप की ग्लानी है ना। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं। यह रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है। इसमें डरना नहीं है, वो डराएगी पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो क्या है? पेपर टाइगर है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आपे ही कृपा करो। कैसे कृपा करेंगे? पढ़कर। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं, इस दुनिया में नहीं होती, बहुत रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बाकी बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं। कहाँ आए हैं हम? ईश्वरीय कॉलेज में, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। स्वर्ग का रचयिता ज़रूर देवी देवता ही बनाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर, कॉलेज में पढ़कर फिर क्या बनेंगे? सब देवी देवता। भगवान वाच तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, पांच स्वरूपों की ड्रिल करते रहो। पवित्र तो जरूर बनना है, तो दो काम, स्वदर्शन चक्र चलाना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे। यहाँ पर कौन सा काल आता है? माया काल के रूप में आती है। फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, कामचिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना यह बाप का ही काम है। इसके लिए ज़रूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। यह ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल ना सके। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वह फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है।
इस समय सब पतित है और सब यहाँ ही है। वापस कोई भी गए नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो निष्कामी हूँ, बाबा को कोई कामना नहीं है, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। वो खुद निष्कामी है और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं, तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है, यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। सबसे ज़रूरी काम, अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, ये भी ड्रिल है। अभी हम आत्माएं वापस परम धाम जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापस घर जाते हैं। ये ड्रिल करते रहे सारा दिन, बार बार जब टाइम मिले। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, चक्र चलता रहे। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, वह तो है ही सदैव सुखदाता। दुनिया में कहते हैं ना, भगवान ही सुख दुख देते हैं, पर तो बाबा बताते हैं क्लियर करके, वो तो है ही सुखदाता। बाबा ने समझाया है, यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज़ का साक्षात्कार किया है, वह फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश का साक्षात्कार किया है, स्थापना का साक्षात्कार किया है, वो सब चर्म चक्षुओं से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर से एबल आ गया का बच्चों पर मात पिता बाप जाने का याद आ रहा। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है, श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान है एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भाव। कैसे बनेंगे सफलता संपन्न? जब एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करेंगे, एक भी शक्ति व्यर्थ ना जाए। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो, तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल, और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे
सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सर्व शक्तियों को सफल करेंगे तो सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों सेवाएं साथ साथ हो तब बनेंगे सफलता संपन्न। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प उठें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बनाना पड़ेगा। हमेशा शुद्ध संकल्प ही उत्पन्न हो, ठीक, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज होमवर्क क्या करेंगे? विशेष ड्रिल जो आज बाबा ने बार बार कराई, क्या? अपने को बार बार देह से अलग, मैं आत्मा अशरीरी हूँ, अभी मुझे वापस घर जाना है, बिल्कुल डिटैच हो जाएं और फिर वहाँ से पुनः इस सृष्टि पर सुख धाम में, स्वर्ग में आना है। तो अपने उन स्वरूपों को देखें, अभी ब्राह्मण स्वरूप को, फिर निराकारी स्वरूप को, फिर देवताई स्वरूप को। ये ड्रिल दिन में बार बार करते रहेंगे। चलो, अभी भी योग के टाइम हम यही ड्रिल करेंगे। ओम शांति। Thank you.
क्या